संजय दीक्षित जी, बहुत ही जबरदस्त ये नॉवेल आपने लिखा। बहुत सारी बातें आप सर बता चुके हैं लोगों को और हम लोगों ने भी थोड़ी सी चर्चा की है। मैं ये चाहूँगा कि क्या समझूं इस नॉवेल को, ये मान के चलूं कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स जो हमारे आईएम्स हैं उनके लिए कोई एक ऐसी केस स्टडी आप दे रहे हैं जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी? ऐसा तो हम कुछ कह नहीं सकते। एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है कि किताब तो कोई और लिखता है और उसकी विवेचना दूसरे लोग करते हैं, उस पर PhD भी तीसरे लोग करते हैं, और जो किताब लिखता है अगर कोई विश्वविद्यालय चाहे कि उसको बुला के और उसको पढ़ाने के जिम्मा दे दिया जाए तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उस किताब में PhD नहीं होती। एक बड़ा इसको एक आप विनोद का पुट दे लें या कुछ भी कह लें कि एक किसी ने किस्सा लिखा था, किस्सा कबीर को ख्याल आया कि मैंने इतना सारा जो भी चाहे वो मेरा वेदांत का दर्शन था या मेरा जो भी दर्शन था उसकी लोग सही ढंग से व्याख्या नहीं कर रहे हैं, मैं धरती पर चलूं वापस और उसकी व्याख्या लोगों को सही ढंग से बताऊं। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे कहा मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहते देखिए अभी क्या है कि एक बड़ी अच्छी हिंदी की चेयर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में खुली है और वहाँ बड़े विद्वान लोग आते हैं, मेरे ख्याल से आपको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। और कबीर जब वहाँ गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो सौभाग्य से कुछ लोग थे उसमें, भारत के भी थे, उन्होंने उनको पहचान लिया कि अच्छा अच्छा आप तो कबीरदास जी हैं, कि हाँ मैं कबीरदास हूँ और मैं जो भी आप मेरे बारे में यहाँ पढ़ा रहे हैं वो मेरा दर्शन नहीं है, वो कुछ और ही है जो मैं कहना चाहता था, आप उसको विकृत रूप में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अवसर दें और मैं मेरे जो दोहे हैं और मेरे जो ये कूट पद हैं इनके बारे में कुछ बताऊँ आपके छात्रों को। आपका स्वागत है, हम आपका आदर करते हैं, देखिए आपकी फ़ोटो भी लगी है, हम आपकी फ़ोटो पर हार भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने कोई पेपर लिखा नहीं, उस पेपर का पीयर रिव्यू हुआ नहीं, PhD आपकी है नहीं, इसलिए आप हमें माफ़ करेंगे, छात्रों के सामने हम आपको पेश नहीं कर सकते। बहुत ही रोचक जवाब रहा ये आपका। थोड़ा इस चर्चा को इससे पहले कि मैं भाई सुनील जी को दूं, एक मेरे मन में प्रश्न आता है, आपने उसका उत्तर देने की कोशिश तो की है, हजारों लोगों ने कृष्ण पर लिखा है, किसी ने मित्र की हैसियत से लिखा है, किसी ने गुरु की हैसियत से लिखा, किसी ने भगवान माना, बहुत कुछ माना गया है, किसी ने मित्र माना। अगर एक कोर फंडामेंटल कोई व्यक्ति पूछना चाहे आपसे कि आखिरकार हम क्यों पढ़ें, पहली बात तो यह है क्यों लिखा आपने और फिर हम क्यों पढ़ें, इसमें अगर थोड़ा संक्षेप में आप कुछ या विस्तार में जैसी आपकी इच्छा हो, मुझे लगता है कि ये प्रश्न हम सबके लिए उपयोगी होगा, क्यों तो लिखा आपने, ऐसी क्या मजबूरी थी? ये मजबूरी वाला सवाल तो बड़ा कठिन नहीं होगा, समय था, कुछ करना था, ये भी एक कारण था। दूसरी बात ये भी थी कि कृष्ण का जो चरित्र है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, वो इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है राम के मुकाबले बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और उसका शायद कारण ये है कि कृष्ण को मैं खास तौर से जो ये गोपेश्वर वाला प्रसंग है इसको वैसे हम कृष्ण गोपेश्वर कहते हैं, क्योंकि जो मैंने ए लिखा हुआ है इसके अंदर वो संस्कृत का प्रोनंसिएशन है, इसको मैं अनुरोध करूँगा कि इसको अंग्रेजी के प्रोनंसिएशन के रूप में ना पढ़ के जिस प्रकार संस्कृत में जो प्रोनंसिएशन अंग्रेजी में रोमन लिपि में लिखा जाता है उस तरह से इसको देखें। तो कृष्ण गोपेश्वर में जो बाल कृष्ण है वो एक बड़ा चंचल, बड़ा नटखट, एक बड़ा जिसको कहें खुराफाती बच्चा है,
और खुराफाती बच्चे सभी को पसंद होते हैं। यदि आपका उसका अगर आप तुलना राम से करें तो राम का एक बड़ा गंभीर व्यक्तित्व है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और ये मैंने पहले भी किसी ने मेरा इंटरव्यू किया था तो भारतीय परंपरा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है जिसमें कहते हैं कि भाई यदि आपको किसी को फॉलो करना हो तो राम को करिएगा, कृष्ण को फॉलो मत कर लीजिएगा, कृष्ण के जो उपदेश हैं उनको फॉलो करिएगा। कारण उसका जो है वो कि कृष्ण ने जो उपदेश दिया है कर्म का, कर्म को भी मैंने इसमें व्याख्या करने की कोशिश की है। कर्म को दो तरह से देखा है कि एक तो कर्म को लोग जो है वो क्रिया के रूप में लेते हैं, मैंने क्रिया और कर्म में विभेद किया है। एक कर्म वो जिसको आप जो आपका संचित होता है वो कर्म या कर्मफल कहें जिसको, कर्म को दो तरह से देखते हैं तो कर्म और कर्मफल या उसी को मैंने क्रिया और कर्म के रूप में किया है और उसको डिस्टिंग्विश किया है कि क्रिया कर्म नहीं है। कर्म का तात्पर्य है कि सृजन एक छटपटाहट है, उस दिशा में कुछ पूरा नहीं किया। मैं आपको जरा उसका वो थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, खुराफाती बच्चे ज्यादातर गिफ्टेड होते हैं आपको देखा होगा, तो ये जो एक गिफ्टेड चाइल्ड है वो अपने ढंग से जीवन को जी रहा है, अपने ढंग से संसार की जो समस्याएं हैं उनको वो टैकल करता है और इसीलिए आगे चल के हमारी परंपरा में योग की उपाधियों से या तो आदि योगी शिव को नवाजा गया या फिर कृष्ण को योगेश्वर की उपाधि दी गई, राम को योगेश्वर की उपाधि नहीं दी गई। राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवश्य हैं लेकिन वो योगेश्वर नहीं है। योगेश्वर क्यों नहीं है इसके ऊपर भी पूरा एक साहित्य लिखा जा सकता है कि राम योगेश्वर क्यों नहीं है और कृष्ण योगेश्वर क्यों है। और कृष्ण को संभवतः योगेश्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्रिया और कर्म को अलग अलग लेके चलते हैं और इसलिए जब रास का प्रसंग आता है तो हमारी परंपरा में रास को लीला कहा गया है और लीला इसलिए कहा गया है कि जो कृष्ण है वो उसमें लिप्त नहीं है। यद्यपि पुस्तक में उसका एक योगिक क्रिया के रूप में चित्रण किया गया है और राधा चूंकि हमारे सभी परंपरा में लगभग सभी परंपरा में राधा को कृष्ण से 5-7 साल बड़ा बताया गया है तो अपने से बड़े से बच्चा जो है वो सीख लेता है, ज्ञान लेता है, विद्या लेता है, उसके साथ में रोमांस नहीं करता। और यदि वो 16 कलाओं वाला है, राम को 12 कला बताते हैं, कृष्ण को 16 कला बताते हैं, यदि वो 16 कला वाला एक गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो गिफ्टेड चाइल्ड उस सारी क्रिया को एक दूसरी तरह से संपन्न करेगा, उसमें लिप्त नहीं होगा। और इन सभी आयामों को देखते हुए कृष्ण को एक खुराफाती समझदार बच्चे के रूप में इस किताब में देखा गया है। बहुत रोचक उत्तर रहा सर ये आपका। सुनील जी के कुछ प्रश्न होंगे, मुझे लगता है कि बीच में अगर आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न हम ऑडियंस से ले सकते हैं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। और जी मैं शशिकांत जोशी। सर जैसे आपने भी बताया, जितना आपने बताया है उससे दो चीज़ों में हमें थोड़ा सा लग रहा है, आपने क्या श्री कृष्ण को व्यक्ति रूप में लिया है या उसमें एक ईश्वर रूप भी देखा है जिसको भगवान शब्द बोलते हैं हम, उस रूप को देखा है? क्योंकि आपने जितना बताया उसमें व्यक्ति रूप में ही आ रहा है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके ईश्वर की परिभाषा क्या है। मेरे ईश्वर की परिभाषा तो जो ईशोपनिषद में है वो है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्। तो आप भी मेरे लिए ईश्वर हैं,
कोई व्यक्ति भी मेरे लिए ईश्वर है, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। इसलिए ये जो विभेद है ये व्यक्ति और ईश्वर का, ये अभी तक मेरे सामने उपस्थित नहीं हुआ है। बहुत रोचक आपने उत्तर दिया है इसमें, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो वेदों के चार महावाक्य हैं, प्रश्न भी आपका बहुत मजबूत था, वेदों के जो चार महावाक्य हैं वो अपने आप में शायद इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी सर, आपने रेशनैलिटी एक कोर रखा है, दूसरा कोर आपने नॉलेज को रखा है, ज्ञान को कृष्ण के, तीसरा आपने योग को दिया है। हालांकि ये प्री मैच्योर है मेरा क्वेश्चन, लेकिन ये इतना इतनी दुरुस्त ट्रायोलॉजी, इनके बीच में रेशनैलिटी, योग और ज्ञान, ये बहुत बृहद विषय है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको कितना आनंद आया इसको प्रथम हिस्से को लिख के, और वो आनंद के मोमेंट्स कौन से थे, क्योंकि हम पाठकों के रूप में हम उनको भी ढूंढेंगे। आनंद तो निश्चित रूप से बहुत आया, क्योंकि किसी भी रचना को, रचना की रचना करने में रचयिता को तो आनंद आता ही है। वो यदि आनंद की अनुभूति नहीं हो तो फिर वो रचना नहीं रह के एक कार्य हो जाती है। तो इसमें से किसी विशेष चीज़ को अलग निकाल के दिखा पाना तो मुझे मुश्किल होगा, और मैं चाहूँगा भी नहीं इस समय करना, बताना पूरी चीज़ें नहीं चाहूँगा, थोड़ी बहुत खाली जो हिंट दी है वहीं तक रखना चाहूँगा। संजय जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद सुनील जी। और मैं दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा, क्यों एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब इस पुस्तक का एक प्री लॉन्च हुआ और आप सब उसके साक्षी बने। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपको बधाई। विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हुए, बहुत ज़्यादा पोलाइटली हम्बली मैं क्षमा मांगूंगा, मैं थोड़ा विलंबित हुआ। इसके अलावा मैं क्षमा आपसे दूसरे कंटेक्स्ट में मांगना चाहूँगा, केवल आपसे नहीं मांगूंगा क्षमा, क्योंकि मेरा जो प्रश्न है वो क्षमा के साथ में स्टार्ट करना चाहूँगा। और मेरी क्षमा केवल आपसे ही नहीं है, मेरी क्षमा आदि गुरु शंकराचार्य से है, रामानुज से है, मध्वाचार्य से है, निम्बार्क से है, चैतन्य से है, और मेरी उन सब लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने कृष्ण के ऊपर उपवास लिए लिखा। क्योंकि अगर कृष्ण के बाद में हम पूरे उस चरित्र चित्रण की बात करें, विशेषकर वेदांत जो दर्शन है उसकी तो एक परिपाटी ये बन गई कि जिसको भी वेदांत के बारे में कुछ भी लिखना है तो उसे प्रस्थान त्रय, जिसमें गीता कृष्ण का जो सबसे बड़ा जो उसका सृजन है उसकी व्याख्या किए बिना कोई भी प्रस्थान त्रय का हिस्सा नहीं बन सकता, मतलब वो दर्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। शंकर ने लिखा और अद्वैत की स्थापना हो गई, रामानुज ने उसके ऊपर लिखा श्री भाष्य कृष्ण के ऊपर और विशिष्ट अद्वैत का स्थापना हो गई, मध्वाचार्य लिखते हैं और द्वैत दर्शन की स्थापना हो गई। तो मेरा पहला प्रश्न तो इसमें यह है, क्योंकि अद्वैत आ गया, विशिष्ट अद्वैत आ गया, द्वैताद्वैत आ गया, द्वैत आ गया, संजय इसके माध्यम से कौन सा वाद प्रतिपादित करना चाहते हैं? ये तो ट्रिलॉजी के सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट है। नहीं, मैं यहाँ मैं विनम्रता क्षमा क्यों मांगना चाह रहा था वो मैं कहना चाहता हूँ। अभी हम प्रस्थान त्रयी तक पहुंचे नहीं है, वो सेकंड पार्ट में पहुंचेंगे, और निश्चित रूप से भगवद गीता और उद्धव गीता दोनों के। मेरा प्रश्न यह है कि वो अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, क्या संजय भी इसके माध्यम से कोई वाद प्रतिपादित कर रहे हैं? जी, संजय वाद। खैर बहरहाल जब कृष्ण की बात करें,
तो कृष्ण का योग वो नहीं है जो कि पतंजलि का योग है, क्योंकि वो कृष्ण गीता में कहते हैं सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्व योग उच्चते। तो कृष्ण का योग कहीं भी वो नहीं है जो पतंजलि का है, या कृष्ण का जो सांख्य है वो सांख्य भी वो सांख्य नहीं जो कपिल दर्शन में प्रतिपादित करते हैं। तो मैं आपसे केवल इतना सा एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका योग और सांख्य, क्योंकि कृष्ण को जितना हम एक पावरफुल नरेटर या एक विद्वान के रूप में देखते हैं, वही कृष्ण के साथ मैं कहीं ना कहीं क्षमा, मैं यही एक क्षमा मांगना चाहता था कि कृष्ण के साथ एक बेचारगी भी है कि कृष्ण के माध्यम से विभिन्न विद्वानों ने अपने दर्शन को प्रतिपादित किया और कृष्ण के मुंह के अंदर अपने दार्शनिक वाद और प्रतिवादों को कृष्ण के मुंह में ठूंसा गया है। ये कृष्ण के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना है, जहां कृष्ण पूरे भारतवर्ष ने जितनी भी प्रतिभाएं पैदा की उनके सर्वोच्च अधिष्ठान है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। मगर वहीं कृष्ण की एक बेचारगी भी है कि उनके माध्यम से, क्योंकि जितने भी वाद प्रतिपादित वादों की मैंने बात की, अद्वैत की, विशिष्टाद्वैत की, द्वैत की, या जितने भी वाद प्रतिपादित हुए, यहाँ तक कि अभी यथारूप भी भक्ति वेदांत ने कृष्ण के ऊपर लिखा, गांधी गीता माता लिखते हैं, तिलक गीता रहस्य लिखते हैं, मगर कृष्ण की एक बेचारगी है कि कृष्ण के मुंह के अंदर हर विद्वान ने अपने शब्दों को ठूसा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण गोपेश्वर भी ऐसा ही कुछ कर रहा हो? देखिए, मैं थोड़ा सा रहस्य खोल देता हूं, और वो ये है कि इस पुस्तक का जो अंतिम भाग है वो वहां समाप्त होता है जहां पर जो आपके वृष्णियों के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य, वो ये कहते हैं कि ये एक विलक्षण बालक है, इसे मैं अकेला शिक्षा नहीं दे सकता, इसको सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए। तो देखिए, ये जो पुस्तक है ये कल्पना है जिसको मैंने हिस्टोरिकल फिक्शन कहा है, इसमें कई सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स भी हैं, और मैं आपको निश्चित रूप से ये वादा कर सकता हूँ कि वो फिक्शनल कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको बड़े रुचिकर लगेंगे, उनके बारे में भी ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। तो इसी फिक्शन को आगे बढ़ाते हुए जब सांदीपनी ऋषि के यहाँ जाने के लिए तत्पर होते हैं कृष्ण, तो वहाँ सिर्फ सांदीपनी ऋषि नहीं, वहाँ पर एक महफिल जमती है ऋषियों की, और आप पुराणों के माध्यम से उसमें तिथियों की गलतियां निकाल सकते हैं कि ये लोग समकालीन थे या नहीं थे। तो वहाँ कौन कौन इकट्ठा होने के लिए तत्पर हो रहे हैं कि ये एक विलक्षण बालक है, इसको हमें शिक्षा देनी है। तो वहाँ जाने के लिए पाणिनी तत्पर हो गए, वहाँ जाने के लिए कपिल मुनि तत्पर हैं, ठीक है, ग्रामेरियन सांख्य, और न सिर्फ ये जो हमारा जो पुराना दर्शन कहता है कि पतंजलि ने सिर्फ योग सूत्रों का कंपाइलेशन किया है और ऋग्वेद में तो हिरण्यगर्भ का वर्णन आया है, तो उस प्रकार हिरण्यगर्भ के एक शिष्य भी वहाँ पहुँच रहे हैं, जरासंध के कुलगुरु आचार्य चंड कौशिक वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पर एक पूरी यूनिवर्सिटी सजेगी अभी अगले अंक में, उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे कि किससे किससे क्या सीखा। यूनिवर्सिटी का निर्माण हो चुका है, फैकल्टी हैज बीन चोजन, वी हैव ऑलरेडी चोजन द फैकल्टी, नाउ द फैकल्टी इज गोइंग टू गैदर इन उज्जैन, द वेन्यू इज आश्रम ऑफ सांदीपनी ऋषि, एंड इन दैट वेन्यू lot many things would be taught, and while they are taught we'll also learn. देखिए, मैं श्रोताओं को एक बात कहना चाहूंगा कि हर युग में जो कृष्ण के दर्शन होते हैं, दर्शन का माध्यम संजय ही होते हैं, चाहे वो द्वापर के अंदर अगर कृष्ण का हमें साक्षात्कार होता है,
और कृष्ण नहीं पूरे महाभारत का, तो एक संजय के माध्यम से हम कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं और कलयुग में भी हम यही करने जा रहे हैं। तो निसंदेह कि जब द्वापर के संजय विलक्षण कृष्ण का साक्षात्कार करा रहे हैं तो कलयुग वाले जो कृष्ण हैं उनसे भी हम अपेक्षा ऐसी ही रखते हैं। महाभारत का जो सबसे जो ओल्डेस्ट जो जो पोर्शंस हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं प्योरली उसको भी हिस्ट्री के हिसाब से देखता हूँ, तो उसका जो ओल्डेस्ट जो महाभारत के जो जो पार्ट हैं उसमें एक जगह पार्लियामेंट और उसको चलाने में कृष्ण को जो समस्याएं आ रही हैं उसका बड़ा खूबसूरत वर्णन, और वाल्मीकि वैसा का वैसा ही है जैसा अभी पार्लियामेंट में आ रही है कि पार्लियामेंट कृष्ण चलाना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर रोज हंगामा हो रहा है। तो ऐसे में कृष्ण के लिए एक चैलेंज है कि ऐसी जो बिल्कुल ट्रबुलेंट जो पार्लियामेंट है उसको वो कैसे चलाएं। I have understood the question. I just make one thing clear. I think the thing. Democracy in the entire country in India, the only place where democracy existed was Krishna. Nowhere in the country democracy was there. And this was adopted by the Americans in the year 1000. देखिए मथुरा का संघ जो है वो आपने बिल्कुल सही फरमाया, दी वृष्णी संघ विच वॉज देयर इन मथुरा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इट यूज टू बी कॉल्ड सुधर्मा सभा, उसका नाम था सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा वॉज सम काइंड ऑफ अ पार्लियामेंट। वी डोंट नो वेदर पीपल वर एक्चुअली इलेक्टेड, बट डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी डेमोक्रेटिक सेटअप इन द सेंस दैट there was a lot of discussion and the king was not the ruler, he was the representative of the Sudharma Sabha. This was the structure which was prevalent in Mathura. And when Kans overthrew Ugrasen, he did so right in the Sudharma Sabha and everybody kept quiet. This was the flip side of the democratic functioning of that time. Everybody kept quiet. Sare sare bade bade maharathi except Vasudev, nobody spoke up. This ye prasang pura ka pura isme aaya hai aur iska chitran kai aur lekhakon ne bhi bahut acha kiya hai. Narendra Kohli ji ko yadi aapne padha ho to unhone bahut sundar tarike se puri Sudharma Sabha ka varnan vishesh kar jo unka upanyas hai Vasudev usme kiya hua hai, ya aapke इन्होंने ये सावंत जी इन्होंने युगंधर लिखी है, इन्होंने भी बड़ा अच्छा चित्रण किया। तो ये सुधर्मा सभा वॉज ओवर थ्रोन एंड इट वॉज रिस्टोर्ड बाई कृष्ण। एंड इफ यू रिमेंबर द स्टोरी दैट आफ्टर कंस हैड बीन किल्ड एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड कृष्ण टू अश्यूम द थ्रोन बट ही डिड नॉट। Then everybody thought that Vasudev would assume the throne. He did not. And the throne was restored to Ugrasen right there in that Vrishni parliament or Vrishni Sangh called Sudharma Sabha. So that is the extent or the scope of discussion in the first book. Now as we go to the second and the scene moves to Dwarka, there will be lot many things. अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, अभी तो पूरी श्यामंतक मणि बाकी है, तो अभी से क्यों पहले से, why should we preempt it? Actually क्या है कि मैं इसका आगे का एक हिस्सा है अंधक और वृष्णियों की पार्लियामेंट एक हो गई है, कॉमन हो गई है, और कृष्ण नारद को अपनी एक समस्या बताते हैं और वो समस्या बताते हैं कि पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। तो जहाँ नारद उसमें बड़ा एक दिलचस्प बात कहते हैं कि अब इन्हें इंटिमिडेट या भय करके नहीं, कैसे प्यार से इन्हें आपको हाउ टू हैंडल द पार्लियामेंट। तो मैं मानता हूँ कि अभी आधुनिक जो भारत है उसमें भी अगर अभी जो प्रेजेंट जो लीडरशिप है वो उससे इंस्पिरेशन ले, जो नारद और कृष्ण संवाद है पार्लियामेंट का बड़ा दिलचस्प संवाद है, वो भीष्म पर्व में आता है। तो बस बात एक है कि जहाँ वो सहिष्णुता और टोटलिटेरियन
दो एक किसी भी ढंग के पॉलिटिकल सिस्टम में दो लोग हो सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक लोग और एक, मेरे ख्याल से आपने भी इसके ऊपर काफी कुछ इसमें लिखा है कि इन दो सेटअप्स में जो स्ट्रिक्ट डिफरेंसेज हैं और कृष्ण जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो दूसरा जो फैक्शन है वो थोड़ा टोटलिटेरियन है, थोड़ा सा असहिष्णु सा है। देखिए जहाँ पर संवाद समाप्त होता है, कम से कम इस ट्रिलॉजी के पहले भाग में, वहाँ अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे क्योंकि वो सारे प्रसंग आएंगे जब सीन द्वारका शिफ्ट होगा। अभी तो कंस का वध हुआ है, सुधर्मा सभा वापस अपने स्वरूप में आई है, हालांकि कृष्ण उसमें, वसुदेव उसमें कहते हैं कि ये सारे के सारे, इनमें से एक नहीं बोला था जब ये अधर्मी कंस मुझको कारागार में बंद करने का आदेश दे रहा था, तो इनमें से एक आदमी नहीं खड़ा हुआ, न ये सत्यक खड़ा हुआ, न आपके सत्रजीत खड़ा हुआ, आपके जितने महारथी दिख रहे हैं इनमें से एक भी खड़ा नहीं हुआ। और सब मन में ये सोच रहे थे कि ये जाए तो कैसे हमारी आगे कार्रवाई चले। तो कंस के वध के बाद तो सुधर्मा सभा एक तरह से वापस स्थापित हुई है, सारे लोग जरासन से डरे हुए हैं कि साहब अब ससुर जी आएंगे और हमला करेंगे, तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो अभी वो परिस्थिति आई नहीं है जिसमें ये इस प्रकार के झगड़े हों, जब होंगे तब उनसे डील करेंगे। छोटे से दो प्रश्न और हैं जो जिज्ञासा मेरी जगा रहे हैं। एक मेरी जिज्ञासा, क्योंकि स्वास्तिक जो है वो दाएं की जगह बाएं तरफ हो रहा है, ये तो ये क्योंकि ये वाला जो स्वास्तिक है, नहीं मॉडर्न जो पूरा वर्ल्ड है इस वाले स्वास्तिक थोड़ा भयभीत है, क्योंकि ये नासी पार्टी भी, मतलब जब वाम मार्गी हो जाता है स्वास्तिक तो वो थोड़ा सा, नहीं ये नहीं, दूसरी बात है, वाम मार्गी है, देखिए ये दक्षिण तरफ नहीं है, ऑस्पिशियस की जगह है क्योंकि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा इसमें प्रश्न था, एक तो ये था कि ये वाम मार्ग क्यों हो गया ये स्वास्तिक। इस पे तो मुझको कई तरह की धमकियां मिल चुकी हैं ट्विटर पे, ये तो कई, अभी तक कोई यहाँ फतवा जारी करने का कोई प्रावधान है नहीं तो अब तक जारी हो चुका होता। वैसे अभी तक मुझसे जिसने भी पूछा है, मैंने यही कहा है कि भाई आपको यही बता दूंगा तो फिर आप किताब क्यों पढ़ोगे। लेकिन बस मैं, या मैंने इसको एज अ क्लैश ऑफ नैरेटिव्स के रूप में चित्रित किया है। तो एक तो नीचे आपको दिख रहा है वो योग निद्रा में कृष्ण है, तो ऊपर दूसरा नैरेटिव का कुछ सिंबल तो दिखेगा ना। अच्छा, ये कंट्रास्ट है, मतलब योग निद्रा में कृष्ण है बिल्कुल शांत चित्त है और ऊपर जो जो स्वास्तिक है वो विध्वंसात्मक। देखिए रहस्य मत खोलिएगा। I really don't know. वो हमें भी नहीं पता। The whole world keeps moving, the journey from order to chaos, chaos to order. There is a chaos, we bring order, the world again moves to chaos, then we again pull up our energies, we as human beings, we as managers, we as whatever we are. We make an attempt to bring back the order, the whole thing goes back to chaos. I would characterize the whole thing here, a great journey back and forth from order to chaos. And I would really wish people read and finally discover this whole thing. वैसे भारतीय परंपरा में उल्टे स्वस्तिक का स्थान है, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल है, तंत्र में है, वाम मार्ग स्वास्तिक रहता है। शुभंकर और विष्णु वो आपके दक्षिण मार्गी स्वस्तिक से डिनोट होते हैं और काली और तंत्र वाम मार्गी से होता है।
एक छोटे से मेरी जिज्ञासा और थी, कृष्ण गोपेश्वर, गो के लिए बहुत सारी व्युत्पत्तियां हैं, गो के लिए गाय है, सामान्य जन के लिए गोमीन जो गायों के गोपियों के ईश्वर हो सकते हैं, गो यानी इंद्रियां भी हो सकती हैं, और गोमीन नक्षत्र भी है, गोचर वगैरह जो शब्द बने हैं वो नक्षत्रों से संबंधित है। तो यहाँ जो गोपेश्वर है वो गोपियों के ईश्वर है, गोप के ईश्वर है, या यहाँ गो नक्षत्रों के ईश्वर है? देखिए, इसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट लागू हुआ है, द मैस्कुलिन जेंडर इंक्लूड्स द फेमिनिन। From the audience, Arunesh ji, बताएंगे साहब। But this time, give me this privilege. जो हमारे बच्चे young गोप में गोपी शामिल है, कहने का मतलब ये। You know, we have young guns sitting here. Why not have? एक मिनट, मैं जरा explain कर दूँ, थोड़ा सा clarify नहीं हुआ। एक General Clauses Act है law में, तो उस General Clauses Act में शुरू में कुछ चीजें लिख दी जाती हैं। ये विद्वान बैठे हुए हैं लॉ के, हमारे अरुणेश्वर जी बताएंगे आपको। उसमें दो तीन चीज़ें हैं, और उसमें पहली चीज़ है द सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड वाइस वर्सा, एंड द मैस्कुलिन इंक्लूड्स फेमिनिन एंड वाइस वर्सा। तो आप इसको जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से देखें। कैन वी हैव ओके अशोक कुमार शर्मा साहब, मैं एक प्रश्न करना जा रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम को आप कृष्ण गोपेश्वर में कहाँ देखना चाह रहे हो या कहाँ देख रहे हो? एक मिनट, मैं इनका वो देखूं। देखिए, कृष्ण की मर्यादा आचरण की नहीं है, कृष्ण की मर्यादा मानसिक है। इसीलिए हमारी परंपरा में सदैव ये कहा जाता है कि चूंकि एक साधारण व्यक्ति मानसिक रूप से उतना विकसित नहीं है, जिस योग के जिस आयाम पर कृष्ण स्थापित हैं उस पर एक सामान्य व्यक्ति स्थापित नहीं होता है, इसलिए कृपया जो उनका आचरण है उसकी नकल न करें। कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम तो है नहीं, कृष्ण तो मर्यादा को ध्वंस करते रहे हैं। और कृष्ण का जो मर्यादा का ध्वंस करने का कार्य है वो पूरी तरह से निर्लिप्त है, और पूरी तरह से धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब वो धर्म सापेक्ष धर्म है, उसके किस तरह से विवेचना होगी, क्या होगी, आप किताब पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा सा उसमें से क्लियर होगा। ये सारी चीजें उसमें डील की हुई हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने क्लैश ऑफ नैरेटिव, सभ्यताओं के संघर्ष की बात की है, तो एक तरह से मैं थोड़ा सा जिज्ञासा है कि आप बताएं इसके बारे में हमें, क्योंकि एक क्लैश ऑफ नैरेटिव्स हंटिंगटन ने बात की है जिसके बारे में, या और भी राइटर्स दीगर लिखते रहे हैं, तो आप मुखर होके लिख रहे हैं या ये बहुत मेटाफोरिकल? आई डिडंट कैच दैट लास्ट पार्ट। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हंटिंगटन ने भी लिखा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन मिन्हाज मर्चेंट भी लिख रहे हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पे संजय दीक्षित जी भी लिख रहे हैं, एक क्लैश ऑफ नैरेटिव गांधी ने भी सत्यानाश किया था गीता के बारे में बोलकर। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो आज की तारीख में जो क्लैश ऑफ नैरेटिव्स चल रहा है उसमें आप बहुत बहुत ज्यादा छद्म हैं या मुखर होकर इस बात को प्रकट करते हैं, ये मेरा प्रश्न है आपसे। यानी उस इस क्लैश ऑफ नैरेटिव्स को पढ़, इस किताब को पढ़कर क्या हमारी यंग जनरेशन की आंख खुलेगी कि एक क्लैश में हम हैं, या वो अभी भी भांग की गोली खोके सो जाएंगे? देखिए, प्रयत्न यही है कि आंख खुले, लेकिन जो संदर्भ है वो द्वापर युगीन है,
निश्चित रूप से, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब हम क्लैश ऑफ नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक टोटलिटेरियन नैरेटिव है और एक धार्मिक नैरेटिव है, तो निश्चित रूप से दोनों की व्याख्या तो किताब में होनी ही चाहिए और हुई ही होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और ये भी मानते हैं कि जो कंस का चित्रण है हमारी परंपरा में, अलग अलग तरह से है जो भी है, तो वो जिस विचारधारा को लेके चल रहा था, कई जगह ये वर्णन है, कई जगह नहीं भी है, कई जगह ये भी वर्णन है कि कंस ने कई शिव मंदिर तोड़ दिए, उसने अनाचार और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघी। आप ये देखेंगे इतिहास में उसके पहले भी और उसके बाद भी, कोई भी राजा इस प्रकार के जब वो कृत्य करता है तो उसका जस्टिफिकेशन अवश्य ढूंढता है, और उस जस्टिफिकेशन के लिए फिर उसके पास लोग आते हैं और उस नैरेटिव को तैयार करते हैं, और उस नैरेटिव को वो अपने जस्टिफिकेशन के रूप में उसका उपयोग करता है और अपनी प्रजा को उस नैरेटिव पे चलाने की कोशिश करता है। यदि आप फॉर इंस्टेंस इफ यू लुक एट द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो नोबडी न्यू जीसस क्राइस्ट टिल कॉन्स्टेंटाइन अडॉप्टेड हिम। दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, दिस इज एन अनडिस्प्यूटेड हिस्टोरिकल फैक्ट दैट इट इज ओनली आफ्टर द रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन अडॉप्टेड जीसस एज द सन ऑफ गॉड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम क्लेरिक्स, बिकॉज ही हैड सम रिबेलियंस गोइंग ऑन विद इन द empire which he was not able to subdue with his existing narrative, so he needed a new narrative. He found this narrative here, he found able people to profess that narrative, then he used that narrative and crushed all the rebellion around him using that narrative. You saw a recurrence again in the 8th century, the Umayyads, the narrative that they used, we don't know whether it was the original narrative or not, but that is the narrative which they used very professionally. They were the original antagonist of the prophets, the Umayyads. If anybody has read the Islamic history, then you would know that the first ruling empire in the Islamic world was the Umayyad Empire, and their principal job was to hunt down and kill each and every descendant of Prophet Muhammad. They came down to Sindh only in quest of one Ahle Bayt, what we call Ahle Bayt, descendants of the Prophet. So Bin Qasim was sent by the Umayyad Caliph to hunt down the descendants of Prophet Muhammad. And he was using the narrative that was built by the third Caliph, the Rashidun Caliph. So narrative की जरूरत हर राजा को है, हर एम्पायर को है, हर सम्राट को उस नैरेटिव की जरूरत है। एंड इन दिस बुक आई हैव अ फिक्शनल कैरेक्टर कॉल्ड कुटिल मुनि। सो द कुटिल मुनि व्हेन ही मीट्स कंस, ही टेल्स कंस, लुक कंस, द वे यू आर गोइंग यू विल नेवर सक्सीड, every victory needs a narrative. I think that should answer your question. uh,
बहरहाल कुछ चीजें राज की राज भी रहनी चाहिए, क्योंकि एक जिज्ञासा हो, एक इंक्विजिटिवनेस हो, और ये मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और जिन भी लोगों ने बैठे हैं वो इस बात को बहुत बखूबी समझ सकते हैं कि बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे न्यू एस्पेक्ट को आप एक्सप्लोर करने में कामयाब होंगे। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये बुक कृष्ण के एक बहुत ही एक डिफरेंट फैसेट्स को रिवील करेगी। बहुत धन्यवाद दूं सर, आपने हमें याद किया। सुनील जी, आपकी तरफ से भी धन्यवाद सर को देता हूं, और काफ़ी रोचक मसले सुनने को मिले, काफ़ी रोचक प्रश्न भी मिले। ओवर टू यू सर फॉर द ओन वर्ड जर्नी। नमस्कार, आज जयपुर डायलॉग फोरम के इस कृष्ण गोपेश्वर पुस्तक की प्री लॉन्चिंग के अवसर पर मंच पर विराजित जयपुर डायलॉग फोरम की धुरी और इस पुस्तक की धुरी हमारे आदरणीय संजय दीक्षित साहब, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सुनील शर्मा साहब, डीएन पांडे साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित जयपुर के सभी समाज वर्गों से शिक्षक, शिक्षार्थी, व्यवसायी, डॉक्टर, एडवोकेट्स और सभी प्रबुद्ध जन, जिस प्रकार एक नौका नदी के मध्य में, या उसको हम कहें कि जो नौका को जो दिशा उसका नाविक वह पतवार देता है, ठीक उसी प्रकार कोई विचारक और लेखक अपने विचारों के माध्यम से व्यक्ति, परिवार, सॉरी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक दिशा देता है, और उन विचारों को हम सभी के मध्य, लोगों के, समाज के मध्य हम लाएं, उस वैचारिक मंथन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, ये हमारा जयपुर डायलॉग फोरम एक हमने इस मंच को हम इस रूप के अंदर समाज और देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, और इसी क्रम में हमारा ये आज का यह कार्यक्रम है। साथियों, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार प्रकृति सृष्टि जिस प्रकार अपने आप में एक बहुत बड़ी, उसको समझ नहीं पाना और नित्य उसमें से नई चीज़ों का आना, ठीक वही एक दूसरे, मेरा ये मानना कि कृष्ण और प्रकृति एक दूसरे पर्याय हैं, और जिस प्रकार प्रकृति का और कृष्ण का हम रूप देखते हैं और उसके अपने एंगल्स और फैसेट्स हैं, और उसको आज हमारे संजय जी ने एक पुस्तक के माध्यम से समाज के सामने इसको रखने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक ज्ञान अर्जन का एक दिशा देने का कार्य करेगी। आज इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और मेरे बड़े भाई आदरणीय अरुण चतुर्वेदी साहब का मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं, साथ ही डीएन पांडे साहब का भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप इस कार्यक्रम में आए और अपने प्रश्नों और विचारों के माध्यम से हम सभी जो इस सभागार में बैठे हुए सभी गण हैं, दर्शक गण हैं, उनकी जो जिज्ञासा है उसको आपने अपने विचारों और माध्यम से हमारे को एक उसको संतुष्टि दी, एक दिशा दी, एक उसको दिशा दी। साथ ही मैं सुनील जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा, वो हमारे जयपुर डायलॉग के साथी भी हैं, विद्वता भी उनकी है, और उन्होंने जो एक डायमेंशन दिया है लोकतंत्र के माध्यम से कि किस प्रकार कृष्ण का जो एक लोकतंत्र के रूप में पूरे देश और दुनिया को जो एक उन्होंने दिशा दी है उसको कैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हम इसको देख सकते हैं, उसका उनका भी मैं सुनील जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही मैं हमारे जोशी साहब का, रत्नू साहब का, और अरुणेश्वर गुप्ता साहब का भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा, साथ ही अजय जी डाटा जो हमारे जयपुर डायलॉग फोरम के साथी भी हैं और उन्होंने कुछ व्यवस्थाओं में भी सहयोग करके जो सहयोग किया है उसका भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा, यादव साहब, जोशी साहब। साथ ही आज हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य स्पॉन्सर्स हैं SBI, सरस और इंडिक अकेडमी, उनका भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिनके कारण से आज हम ये कार्यक्रम इस सभागार में और करने में सक्षम हुए। साथ ही आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे और निश्चित रूप से आप लोगों का जो सहयोग हमें
इस कार्यक्रम में और पूर्व में मिलता रहा है, ये हमारे सभी के लिए एक प्रेरणा और एक संबल का कार्य है कि आगे आने समय में भी, भविष्य में भी, जयपुर डायलॉग फोरम इसी तरह के कार्यक्रम, विभिन्न वैचारिक मंथनों के कार्यक्रम के माध्यम से जो समाज की एक जो भूख है, एक विचार के प्रति एक जो जिज्ञासा है, और उसके एक माध्यम से एक दिशा जो देश और समाज को मिलती है, उसको हम देने का कार्य करते रहेंगे। लेकिन वह तभी संभव होगा जो आपका प्रेम, स्नेह और सहयोग हमें आज तक मिलता रहा है, भविष्य में मिलता रहेगा। साथ ही अंत में इस सारे कार्यक्रम में और जयपुर डायलॉग फोरम के सभी कार्यकर्ताओं का, साथियों का, सहयोगियों का, सबका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि जिनके कारण से हम सभी ये कार्यक्रम करने के लिए कर पाते हैं, कर सकते हैं और एक नई दिशा दे पाते हैं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। जय।